मित्रों, श्रावण मास के सोमवार को अथवा श्रावण माह में किसी भी दिन या फिर अन्य समय पर सोमवार को या प्रदोष काल में कनेर के फूल का एक अचूक उपाय बताने के लिए जा रहे हैं। वह यदि आप भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से वो आपको करोड़पति बनाएगा, आपकी सारी दरिद्रता दूर करेगा, आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ओम नमः शिवाय। मित्रों, श्रावण मास के किसी भी सोमवार को या श्रावण मास में आप किसी भी दिन कर सकते हैं, और यदि आप श्रावण मास में इस उपाय से वंचित रह जाते हैं तो आप कभी भी किसी भी समय किसी भी सोमवार को या प्रदोष के दिन या प्रदोष काल में एक छोटा सा उपाय कनेर के फूल का करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में लक्ष्मी की बरसात होगी। आपको करना क्या है, प्रातः काल स्नान आदि करने के पश्चात में अपने घर में बैठ करके एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लें और घर से एक लोटे में जल भर के ले जाएं, कच्चा दूध ले जाएं और उस लोटे में एक बिल पत्र डाल लें और घर से कनेर का फूल ले जाएं। ज्यादा मिल जाते तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल ले जाएं। ज्यादातर रोडों में आपको लगे हुए कनेर के फूल मिल जाएंगे, यह थोड़े से विषाक्त होते हैं, जानवर इत्यादि इनको खाते नहीं है, लेकिन भगवान शिव के लिए बहुत ज्यादा प्रिय है। आपके घर के आसपास जो भी शिवलिंग हो वहां पर जाकर के पहले आप कच्चे दूध से उनका अभिषेक कर दें। उसके पश्चात में आप घर से जो लोटा लेकर के गए जिसमें आपने एक बिल पत्र डाला हुआ है उस जल से उनका अभिषेक कर दें, बिल पत्र डाल करके और उनका अभिषेक कर दें। उसके पश्चात में एक लोटा जल आप वहीं मंदिर से ले लें और फिर एक लोटा जल से उनका अभिषेक कर दें। फिर जो बिल पत्र आप ले गए थे लोटे में डालकर वो बिल पत्र चढ़ा दें और एक कनेर का फूल भगवान शिव को अर्पित कर दें। तो आपके घर में किसी प्रकार की कोई भी आर्थिक परेशानियों से आप गुजर रहे होंगे, आपके घर में कर्जा होगा, आपके घर में गृह कलेश होता होगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर होगा, यानी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी से आप उलझे होंगे तो वो दूर हो जाएगी। आपका व्यापार नहीं चल रहा तो व्यापार आपका चलने लगेगा। निश्चित रूप से यह उपाय आपके लिए लखपति बना देगा। तो इस छोटे से उपाय को आपको जरूर करना चाहिए तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा।